हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खी। भारतीय टीम के कप्तान अभी तो फिलहाल विराट कोहली हैं, आगे चल के शायद रोहित शर्मा जो है वो कप्तानी का भार संभाल सकते हैं। अगर इस साल भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप की जो आउटिंग है, अगर भारत उसको जीतने में नाकाम होता है तो फिर सवाल जो है कप्तानी पे जरूर खड़े होंगे। लेकिन युवराज सिंह का मानना है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस पे बड़ी डिबेट चलती रहती है, लेकिन एक खिलाड़ी और है जो कि भारतीय टीम की आगे चल के कप्तानी कर सकता है। कौन है वो खिलाड़ी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप स्पोर्ट्स टाइगर पे आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को भी ज़रूर जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और स्पोर्ट्स टाइगर को तो जो है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारा कंटेंट अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सिक्सर किंग युवराज सिंह का क्या कहना है उस खिलाड़ी के लिए जो कि फिलहाल तो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहा है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, और बीते कुछ 6 महीने में एक अलग छवि लेके, एक पोस्टर बॉय के तौर में, नए सुपरस्टार के तौर पे जो है वो खिलाड़ी उभरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जिसको लेके एक बड़ा स्टेटमेंट यूवी ने दिया, युवराज सिंह ने दिया है कि ऋषभ पंत में वो पूरी काबिलियत है कि वो आगे चल के भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने आईपीएल में कप्तानी करी है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली दफ़ा जो है आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। और जितना परफॉर्मेंस आप उनकी देखेंगे बीते कुछ 6 महीने साल भर में भारतीय टीम के लिए, जितना इम्प्रूवमेंट उनमें दिखा है इस पूरी लाइनअप की जब हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तो शायद ऋषभ पंत का नाम जो है सबसे पहला आएगा। और ऋषभ पंत में जो इस वक्त काबिलियत है, जो पोटेंशियल के वो मालिक हैं, वो ज़रूर आगे चल के जो है विकेट कीपिंग के साथ साथ कप्तानी का जो एक बोझ होता है वो पूरी तरीके से जो है वो निभा सकते हैं। ऋषभ पंत की अगर स्पेसिफिकली उनके डाउनफॉल की बात करें, अगर जो उतार चढ़ाव उन्होंने बीते कुछ 2 सालों में देखा था, काफ़ी जो है सवाल उठे थे, स्पेकुलेशंस लगे थे कि क्या ऋषभ पंत जो हैं वो भारतीय टीम की जो है पूरी प्लेइंग 11 में सूटेबल हैं, फिट बैठ पाते हैं कि नहीं। वेट को लेके, वज़न को लेके लगातार जो है रवि शास्त्री ने भी बयान दिया था कि फिटनेस को लेके इश्यूज थे ऋषभ पंत के साथ, और इसी वजह से अंदर बाहर जो है वो टीम के लिए लगातार हो रहे थे। लेकिन बाउंस बैक जो ऋषभ पंत ने बीते कुछ 6 महीनों में किया है, ऑस्ट्रेलियन टूर मुझे याद है, बॉर्डर का उसका ट्रॉफी मुझे याद आती है, उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ वो प्रदर्शन याद आता है, टेस्ट सीरीज़ हो, वनडे सीरीज़ हो, इस खिलाड़ी ने खुद को रिडिफाइन किया, एक अलग ही जो है सितारा हमको मिला है। और उसको लेके युवराज सिंह ने साफ कर दिया है कि जो स्ट्रगल ऋषभ पंत देख के आए हैं बीते कुछ 2 सालों में, और अब जिस मुकाम पे वो हैं, जिस फ्लो के साथ वो रन बना रहे हैं, जिस मैच्योरिटी के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ज़रूर आगे चल के भारतीय टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। और जो एक अचीवमेंट्स महेंद्र सिंह धोनी के रहे हैं कप्तानी के तौर पर, विकेट कीपिंग के तौर पर, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत भी उसी ट्रैक पे हैं। काफ़ी जो है वोकल वो नज़र आते हैं, जो विकेट के पीछे जो है वो कीपिंग कर रहे होते हैं, एडवाइस लगातार जो है वो अपने जो ट्रूप्स होते हैं मार्शल उनको करते हैं। कप्तानी की अगर मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उसके अलावा भारतीय टीम के लिए भी जब वो कीपिंग करते हैं तो हमेशा से एक अलग कॉमेंट्री उनकी चलती है, हमेशा से एक एंटरटेनमेंट जो है वो हमेशा मिलता रहता है। ऋषभ पंत को लेके बड़ा स्टेटमेंट जो है युवराज सिंह ने दिया है कि आगे चल के ऋषभ पंत जो है वो प्रबल दावेदार है भारतीय टीम की कप्तानी के लिए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो काफिला शुरू हुआ है ऋषभ पंत का वो कितना आगे तक जाता है, और कप्तानी के साथ साथ अगर भारतीय टीम को आगे चल के वो इसी तरीके से मैच जिताते रहेंगे तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में आप ज़रूर ऋषभ पंत को जो है कप्तानी करते हुए देखेंगे, और टीम इंडिया उसमें भी जो है 4 चांद लगा देगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए।